सरकारी बैंकों में भरे जाएंगे 10,734 पद, हिमाचल में बनाए गए 9 परीक्षा केंद्र। IBPS ने इस बैंक वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित रीजनल रूरल बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। दूसरी बड़ी खबर, हिमाचल में अब रोज 60,000 लोगों को लगेगी COVID-19 वैक्सीन। अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा अब स्कूल, कॉलेजों, दफ्तरों और पंचायत घरों में वैक्सीन सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार प्रदेश में 1,000 और वैक्सीनेशन सेंटर बनाने जा रही है। तीसरी बड़ी खबर, शिमला सैलानियों से बैक, 90% तक पहुंची ऑक्यूपेंसी, 8,000 से अधिक वाहनों ने किया प्रवेश। शहर की सबसे बड़ी लिफ्ट कार पार्किंग दोपहर 2:30 बजे पैक हो गई, जिसके बाद संचालकों की एंट्री पॉइंट चैन लगाकर बंद करना पड़ा। शनिवार को रिज मैदान और मार रोड पर सैलानियों की खूब चहल पहल रही। चौथी बड़ी खबर, 12वीं कक्षा के परिणाम में अंग्रेजी और फर्स्ट टर्म परीक्षा के अंक जुड़ेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंक निर्धारण के लिए तय फॉर्मूले से नाखुश रहने वाले विद्यार्थी आने वाले दिनों में हालात सामान्य होने पर परीक्षा दे सकेंगे। CBSE की तर्ज पर स्कूल शिक्षा बोर्ड भी ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा देने का मौका देगा। अगली बड़ी खबर है कॉलेज परीक्षाओं पर, कॉलेजों में बुखार, खांसी, जुकाम वाले विद्यार्थियों के अलग कमरों में होगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में जुलाई से शुरू होने जा रही कॉलेज परीक्षाओं में बुखार, खांसी, जुकाम के लक्षण वाले विद्यार्थियों के अलग कमरों में बिठाकर परीक्षाएं ली जाएंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव की SOP का पालन करने के निर्देश दिए हैं। हर परीक्षा केंद्र में वायरस पीड़ित विद्यार्थियों को बिठाने के लिए 2-2 कमरों को रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। अगले सप्ताह से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए कॉलेजों में सीटिंग प्लान बनाने का काम शुरू होगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।